नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे टीडीएस और टीसीएस का पेमेंट कैसे करना है। पहले ये पेमेंट तीन एनएसडीएल की साइड से हो जाते थे, लेकिन अब आप उस साइड से पेमेंट नहीं कर सकते। अब इनकम टैक्स के पोर्टल से पेमेंट करना जरूरी होता है। पहले ये भी होता था कि आप बैंक में जाकर भी एक फॉर्म भरते थे और उसके चालान भर के आप फिर आप उसका टीडीएस टीसीएस का पेमेंट कर देते थे, लेकिन अब आप बैंक में जाते हैं तब भी आपको एक जो चालान है वो आप खुद नहीं भर सकते। आपको इसी साइट पे इनकम टैक्स साइट पर ही चालान क्रिएट करना होगा, फिर उस चालान के द्वारा ही आप बैंक में जाके पेमेंट कर सकते हैं। वो सब अब हम अभी देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर आना होगा, incometax.gov.in। ये पोर्टल पर आने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन है। एक तो यदि आपका 10 नंबर इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्टर्ड है तो आप लॉग इन कर लें, या फिर यदि आप बिना लॉगिन के यदि पेमेंट करना चाहते हैं तो ई पे टैक्स ऑप्शन, आपको यहाँ क्विक लिंक्स में ई पे टैक्स ऑप्शन दिखेगा, इस ऑप्शन के द्वारा भी आप पेमेंट कर सकते हैं। कहीं से भी करें एक ही बात है, लेकिन यदि आप लॉगिन करके पेमेंट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें प्रीफिल आ जाती हैं। तो अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है आपने अपने 10 नंबर का, तो पहले 10 नंबर रजिस्टर्ड यहाँ कर लें, उसके बाद हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन के लिए अपना 10 नंबर इंटर करें, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें, उसके बाद अपना पासवर्ड इंटर करके आप लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद ई फाइल के अंदर ई पे टैक्स पर क्लिक करें। ई पे टैक्स पर क्लिक करने के बाद प्लस न्यू पेमेंट पर क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। तो असेसमेंट ईयर जैसे अभी की बात करें तो जून 2023 का पेमेंट करना है, तो आपका असेसमेंट ईयर होगा 24-25। उसके बाद ये फाइनेंशियल ईयर खुद ही ले लेगा। अब यहाँ नीचे दो ऑप्शन आ रहे हैं, पे टीडीएस। तो ये पे टीडीएस वाले में देखिए आप सभी सेक्शन आ गई है, यहाँ पर आप प्रोसीड पर क्लिक कर दें। उसके बाद आप जो जिस सेक्शन में भी आपको पेमेंट करना है वो सेक्शन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें, या सर्च बाय डिस्क्रिप्शन भी कर सकते हैं, या फिल्टर ऑप्शन में जाकर आपको सेक्शन वाइज ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी, आप उससे भी आप अपनी सेक्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करने के सेक्शन सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें। उसके बाद अब यहाँ पर आके आपको यहाँ पर अदर देन कंपनी डिडक्टिव जिसका आपने टीडीएस किया है वो कंपनी है, या अगर अदर देन कंपनी है तो आप फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर ले 0021, और यदि वो जिसका टीडीएस किया है वो कंपनी है तो आप भी 0020 सेकेंड ऑप्शन सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर टैक्स की अमाउंट इंटर कर दे, उसके बाद इंटरेस्ट की अमाउंट सरचार्ज से छोड़ दे, इंटरेस्ट की अमाउंट इंटर कर दे, कोई फी पेनल्टी हो तो वो भी आप इंटर कर दें, उसके बाद पे नाउ पर क्लिक कर दें। अब देखिए अब आपको पेमेंट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था कि बैंक में भी जाने के लिए आपको पहले क्या करना होगा, यहाँ से चालान क्रिएट करना होगा। तो इसके लिए पे एट बैंक काउंटर या आरटीजीएस एनईएफटी दोनों ही ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करें और अपना चालान यहीं से आप चालान क्रिएट करें, और उस चालान को डाउनलोड करके उसी चालान को लेके बैंक में जाए, और वहाँ पर आप चाहे तो आरटीजीएस करें, एनईएफटी करें, या आप कैश से चेक से जैसे भी चाहें वो चालान आप भर सकते हैं। और यदि ऑनलाइन करना है तो आप नेट बैंकिंग ऑप्शन ले लें, डेबिट कार्ड ले लें, या पेमेंट गेटवे ले लें। नेट बैंकिंग में हो सकता है कि आपको वो बैंक ना मिले जिस बैंक से आप पेमेंट करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा ऑप्शन है पेमेंट गेटवे का। जब आप पेमेंट गेटवे पर क्लिक सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो आपके सामने दो तीन बहुत सारे पेमेंट गेटवे आ जाएंगे। तो अच्छा, जरूरी नहीं कि उस पेमेंट गेटवे वाली जो बैंक आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें आपका अकाउंट हो, आप कोई सी भी बैंक का गेटवे सिलेक्ट कर सकते हैं। पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करने के बाद क्या होता है, पेमेंट गेटवे से आपको ये फायदा होता है कि आप चाहे यूपीआई पेमेंट करें, डेबिट क्रेडिट, जैसे भी आपको पेमेंट और जिस भी बैंक से पेमेंट करना है आप कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा आप पेमेंट गेटवे के थ्रू कोई सा भी पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करके पेमेंट करें। उसके बाद आप यहाँ पर प्रीव्यू आ जाएगा, आपको यहाँ पर डिटेल आ जाएगी, पे नाउ पर क्लिक कर दें, उसके बाद यहाँ पर आई एग्री सिलेक्ट करके सबमिट टू बैंक कर दें। अब देखिए जो भी आपने गेटवे सिलेक्ट किया उसमें आपको सारे ऑप्शन आ गए हैं, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई। तो इस तरह यहाँ पर जाके आप अपना चालान का पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा कि द चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल, आप यहाँ से अपना चालान डाउनलोड कर लें। अब ये चालान डाउनलोड करने के बाद आप जब रिटर्न फाइल करें तो उसमें इस चालान की डिटेल दे दें। तो इस तरह से आप इनकम टैक्स पोर्टल से ही टीडीएस और टीसीएस का पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।